त्यौहार सीजन के धनतेरस और दिवाली में भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल सेक्टर में धूम मची रहती है। इंडियन कार मार्केट में लॉकडाउन और मंदी का असर बहुत कम पड़ा है। ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो धनतेरस और दिवाली सेल धमाका के पहले ही कार मार्केट में धूम मची हुई है। मारुति, होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा के कंपनियों ने बीते अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड कार बेचे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की कारें अक्टूबर 2020 में खूब बिकी। कंपनी के अक्टूबर में बिक्री के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले करीब 19% और सितंबर के मुकाबले 20% बढ़ी है। यही नहीं, कंपनी की उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में और डिमांड बढ़ने वाली है। कि गाड़ी देखिए आज की जरूरत बन गई। अभी हमने लास्ट ईयर के तुलना में 20% ग्रोथ करीब करीब किया, रजिस्टर किया है, और इसलिए कर पा रहे हैं कि अब लोग कॉमन ट्रेवल करने कॉमन चीज यूज नहीं कर रहे, प्राइवेट गाड़ी हो, टू व्हीलर हो तो यूज करें, इसलिए हमारे पास गाड़ी की काफी डिमांड है। इसी तरह अक्टूबर 2020 में 10,836 होंडा कारों की बिक्री हुई थी, जबकि अक्टूबर 2019 में कंपनी ने कुल 10,010 यूनिट्स की बिक्री की थी। यानी पिछले साल के मुकाबले इस अक्टूबर महीने में होंडा की बिक्री 8.3% बढ़ी है। वहीं टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इंडिया की गाड़ियों की जबरदस्त बिक्री हुई है। अक्टूबर 2020 में टोयोटा की 12,363 यूनिट की बिक्री हुई थी, जबकि अक्टूबर 2019 में कंपनी ने कुल 11,886 यूनिट्स की बिक्री की थी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रविवार को अक्टूबर में अपने वाहनों की कुल बिक्री में 14.5% गिरावट होने की जानकारी दी है। इस दौरान कंपनी ने 44,359 व्हीकल्स बेचे हैं। पिछले साल इस अक्टूबर में कंपनी ने 51,896 यूनिट्स की बिक्री की थी। हालांकि कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में इस साल अक्टूबर के महीने में 18,317 इकाइयों की बिक्री के साथ पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले 3% का इजाफा दर्ज किया गया है।